उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने 25,000 रुपए की इनामी महिला आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि आरोपी महिला पर हरदोई के पाली थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं और वह काफी समय से फरार चल रही थी, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि 25,000 रुपए की इनामी महिला आरोपी इस एरिया में घूम रही है, जिसके चलते पुलिस ने दबिश दी और महिला आरोपी को काबू कर लिया। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार गुप्ता के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पाली पुलिस व स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रही 25,000 की इनामिया महिला आरोपी सुंदरा उर्फ गुड्डी निवासी मुड्रामो को काबू किया है। पाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार गोस्वामी व स्वाट टीम प्रभारी SI ब्रिज किशोर सिंह के नेतृत्व में पुलिस व स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुड्डी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए ASP पश्चिमी कपिल देव सिंह ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। महिला पकड़ी गई है, कैसे पकड़ी गई है, किन मामलों में आरोपी थी और कितना इस परिणाम था? गत वर्ष इन महिला और इनके घर के कुछ पुरुष सदस्यों द्वारा अवैध शराब की बनावट और बिक्री की जा रही थी। पुलिस द्वारा उसमें दबिश दी गई थी और हमारे पुलिस पर भी इनके द्वारा हमला किया गया था और ये तब से फरार थी। इन पे 25,000 रुपए का इनाम था। इनको स्वाट टीम और पाली थानाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये टीम बनाई गई थी और उनके द्वारा लगातार ये कोशिश चल रही थी कि जो इनामिया हैं जिले भर के उनको गिरफ्तार किया जाए। उसी में से ये एक हैं और आज ही इनकी गिरफ्तारी की गई। कौन कौन से अपराधी मुकदमे दर्ज हैं इनके ऊपर? धारा 3/5/25 है आयु अधिनियम का, 60(2) का आबकारी अधिनियम का है और पुलिस और सरकारी अधिकारियों मारपीट का है। 307, 332, 353, 333 और सभी धाराओं में एक साथ होकर के हमला करने का है। धारा 34-35। कुल कितने मुकदमे दर्ज हैं? 3 मुकदमे दर्ज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।